हेलो गाइज और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है डे 3 हमारे ट्रिप का और अभी हम लोग निकल रहे हैं इंदौर से खजुराहो। बीच में बागेश्वर धाम भी आएगा तो वो हनुमान जी का मंदिर है ना मम्मी, तो हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ पे भी मत्था टेक के आगे बढ़ेंगे। आज का प्लान है इंदौर टू खजुराहो जो कि 11-11.5 घंटे लगने वाले हैं, तो अभी जर्नी चालू कर रहे हैं तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं जर्नी पे हमारे साथ। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट हमारा, ये है पालक पकौड़ा, काफ़ी थोड़ा अलग सा और बड़ा सा है, समोसा और ब्रेड पकौड़ा और पोहा, सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट। और ये है सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट जो कि वहाँ पे देवास है और हम लोग यहाँ से टर्न लेके आगरा वाले रूट से जा रहे हैं। तो अभी रुके हैं, एक चाय स्टॉप के लिए रुकना था बट सीधा अभी क्योंकि लंच टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं तो सीधा लंच पे ही रुकेंगे, है ना ओरू? तो काफ़ी गर्म होगी, स्लाइड लू चल रही है यहाँ पे। मम्मी पापा वहाँ से आते हुए, तो अभी हम लोग रुके हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अभी मध्य प्रदेश में, 42 चल रहा है फिलहाल और जो हवा भी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अच्छा है कि हमें एक एसी रेस्टोरेंट मिल गया तो ज़्यादा कुछ फैंसी तो है नहीं लेकिन होपफुली खाना मिल जाएगा। अभी तक तो खाना अच्छा ही मिला है तो होपफुली अभी भी अच्छा ही मिलना चाहिए। अभी आगे हम लोग शिवपुरी से डिटूर करके एक रास्ते से निकल रहे हैं जो कि जिसमें रास्ता तो कम दिख रहा है, पत्थर गड्ढे और हचपच ये ज्यादा दिख रही है। जो मेन हाईवे था, हाँ तो जो मेन हाईवे था उस पर एक ऑयल टैंकर में आग लग गई, तो ये अगर आपको दिख सके तो ये धुआं अभी भी दिख रहा है वहां पर। वो मेन रोड पर एक टैंकर फट गया जो कि जिसमें कि आग लग गई है और वो कभी भी फट सकता है, तो हम लोग को ये डिटूर मारना पड़ा। सुनेत्र, रोड इतनी बेकार है कि गड्ढों में चल रहे हैं बेसिकली हम लोग। हाँ चलिए इसका एक नज़ारा देखते चलिए आप भी। तो अभी बेकार रोड ख़त्म हुई, नेशनल हाईवे पकड़ लिया हम लोगों ने। इतना ख़राब था कि जैसे आप पापा ने बताया था एक टैंकर उलट गया था और उसमें आग लग गई थी, तो पूरा रोड नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया था, तो हमें यू टर्न मार के पीछे से दूसरे रूट से आगे ज्वाइन करना पड़ा। फिर अभी इतने सब के बाद अभी चाय ब्रेक तो बनता है, तो अभी यहाँ पे आए हैं ये ढाबे पे, पटेल ढाबा, और ओरू भाई साहब अपना खटिया पे, मम्मी भी यहाँ खटिया पे चिल मारती हुई, और ओरू अपना नैप लेके उठ गया, अपना पैर धो रहे। और हाइजीनिक हो क्या तुम इतने, ये तो पता ही नहीं था। व्हाट यू डूइंग, क्लीनिंग योरसेल्फ? ओके गुड टॉक। गुड बॉय, आर यू फीलिंग गुड? डू इट ऑन अदर लेग आल्सो, देयर इज नो वाटर। तो आज है डे 4, हम लोग पहुंच चुके हैं खजुराहो। कल मोस्टली मैंने ड्राइव किया इंदौर से खजुराहो तक, तो मैं ड्राइव कर रहा था तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया, तो डे 3 और 4 को मैं एक साथ कंबाइन करूँगा। तो अभी तैयार हो गए हैं, जाने का प्लान है खजुराहो का टेंपल जो है, जिसके लिए खजुराहो फेमस है, तो वहाँ जाएंगे। और जैसे आपको बताया था बागेश्वर धाम, वहाँ पर भी जाने का प्लान है। होपफुली ज़्यादा धूप तो रहेगी, गर्मी भी रहेगी, लेकिन ट्राई करूंगा जितना जल्दी वीडियो शूट करके एडिट करके करूं। बिलीव मी और नॉट, जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा ये सीरीज़ का,
मैं ऑन द गो गाड़ी में बैठ के एडिट किया ताकि आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज मोस्टली सेकंड वीडियो आ जाएगा, तो ये वाला वीडियो भी ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी करूँ, तो आप भी अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए तैयार हो गए हैं हम सब। अभी रूम टूर तो नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी मेसी है, रात में थके हुए आए थे, जैसे तैसे बस फटाफट रेडी हुए और निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं। सामने वाला रूम मम्मी पापा का है, ये वाला हमारा है। तो ओरू भी रेडी है, मम्मी पापा सब रेडी है, और जैसे मैंने कल रात का भी थोड़ा बहुत खींचा था, तो ये होटल बेसिकली बैकपैकर्स है, तो इस टाइप की पेंटिंग्स बनी हुई है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत। और अभी चलते हैं नीचे, और नीचे का भी दिखाता हूँ आपको। अभी निकल कर आए हैं, वो है मेन रोड, वहाँ पे मेन सर्कल पड़ता है खजुराहो का, और यहाँ से सीधे जाके है टेंपल। तो लेकिन उसके पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, नाश्ता नहीं किया है कोई भी, तो थोड़ा पेट पूजा करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे मस्त पेड़ के छांव के नीचे। यहाँ बैठे बैठे मस्त हम लोग खा रहे हैं पोहा, और मंदिर हम लोग ने पूछा तो बस सामने ही है, वो जो आगे लाल बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे। और क्योंकि गर्मी का टाइम है तो मैंने और नेहा ने ऑर्डर किया है चाय, ना ऑर्डर करके किया है लस्सी, तो कुछ कुल्लड़ में इस तरह से आई है, काफी मस्त दिखने में तो काफी मस्त है। और मैंने और मम्मी ने वैसे तो मैगी ऑर्डर किया था, बट पोहा देख के मेरा मन ललचा गया, तो मैं भी एक पोहा खा लिया। अभी हमारी मैगी बन रही है वहाँ पर, और यहाँ आ गई है हमारी वेज मैगी। तो अभी एंट्री किए हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स में, तो यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे पार्किंग है, अच्छा है, छाँव में मिल गई। और यहाँ पे एक तालाब सा है जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। एक पे फोकस करने का ट्राई करते हैं, ये देखिए काफ़ी सुंदर है, अभी तक तो अच्छा है, थोड़ा शेड वगैरह में। अभी टिकट का देखते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है, ऑनलाइन टिकट हेल्प डेस्क, तो यहाँ देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं मंदिरों की ओर। तो ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स का एक मैप है, अगर आप पॉज करके देखना चाहें तो, आई थिंक ये वाले तालाब के पास हैं अभी, तो पूरा घूम के जाएंगे। अभी मैं देख रहा था ये मैप वगैरह, फिर नोटिस किया कि पीछे मंदिर जो है वो शायद दिख रहे हैं, तो आई गेस ये उसी ग्रुप ऑफ टेंपल्स में से हैं, एक यहाँ है, देखते हैं। तो अभी टिकट विकेट ऑनलाइन है, QR कोड स्कैन करना है, जो है 35 पर पर्सन है आई थिंक, और आपको ऑनलाइन ही सब जो लोग हैं उनके डिटेल्स डालने हैं, और आपको ऑनलाइन टिकट ही मिल जाएगा, वही दिखाना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे, जो है वेस्टर्न घाट का ये एंट्री है। आर यू रेडी? यस। तो ओरू भी रेडी है, अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का। ये जो पार्किंग है, पार्किंग जो मैंने आपको दिखाई थी वहीं से एंट्री है, और पूरा घूम के वहाँ पर कहीं तो एग्जिट है दूसरे जगह से। ये लोग भी रेडी, अपना चश्मा वश्मा पहन के, और खाने पीने का अलाउड नहीं है, लेकिन पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, क्योंकि हाँ, और बच्चों के लिए अगर थोड़ा बहुत खाना ले जाना है तो बच्चों के नाम पे ले जा सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप टिकट चेक करेंगे तो यहाँ पे ई रिक्शा मिलता है, जो कि वहाँ पे मंदिरों के पास छोड़ता है, तो इसका रेट कितना है? 5 रुपये पर सवारी। तो 5 रुपये पर सवारी है इसका रेट, तो आई थिंक गवर्नमेंट वाला ही है। तो जैसे लिखा है कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके अंडर आता है,
और उसी कारण वो मेंटेन भी किया। तो यहाँ पे जो मंदिर दिख रहा है वहाँ पूजा पाठ करने की आवाज़ भी आ रही है, और हम लोग ने एक गाइड भी लिया है जो आगे चले जा रहा है, तो वो बताएगा जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बताएगा मैं आपको कन्वे करता रहूँगा। सारी शायद इन्फॉर्मेशन बताऊँ ना बताऊँ पता नहीं, बट जितना हो सके जो मेन अट्रैक्शन है वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। यहाँ पे अभी कुछ सत्संग टाइप हो रहा है और धूप काफ़ी है, तो मम्मी दिखा रही है ये आंवले का पेड़ है, गुड फॉर नॉलेज। तो यहाँ नीलकंठ पक्षी भी दिख रहा है अगर आप देख सकते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे खजूर के पेड़ ज्यादा थे इसीलिए इसको खजूर वाही का कहते थे, और धीरे धीरे चल के खजुराहो फैलाने लगा। दूसरा कारण ये कि खजुराहो का जो इंट्रेंस था वहाँ पे खजूर के दो सोने के पेड़ बनाए गए थे, उन्हीं सोने के पेड़ के नाम से इसको खजूर वाटिका कहते थे, गार्डन ऑफ पाम ट्री, और धीरे धीरे खजुराहो कहलाने लगा। ये चंदेल राजाओं की रिलीजियस कैपिटल रही है 10th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। उन्होंने यहाँ पे 85 मंदिर बनवाए थे जिसमें से 22 देखे जा सकते हैं, बाकी सारे टूट चुके हैं। और ये जो 22 मंदिर हैं सारे के सारे सैंडस्टोन के बने हुए हैं और इंटरलॉक सिस्टम में बने हुए हैं। इंटरलॉक का मतलब होता है इनको बनाने के लिए किसी भी ग्लू या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बोलते हैं उसको निकालना तो एक एक करके पूरे पत्थरों को निकाला जा सकता है और रीअसेंबल किया जा सकता है। मतलब यदि इन मंदिरों को आपको किसी दूसरी जगह ले जाना हो तो बड़े आसानी से ले जा सकते हैं, बच्चों के खिलौने की तरह। आपको पता होगा हिंदू धर्म में प्रार्थना के 3 तरीके हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र का मतलब है आपको पेपर के ऊपर लिखना पड़ेगा, मंत्र का मतलब है आपको मुँह से बोलना पड़ेगा, तंत्र का मतलब तन से। तो योगा और मेडिटेशन की जो क्रियाएँ होती हैं वो सारी की सारी तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ मिलेंगी सिंबॉलिक मिलेंगी। सिंबॉलिक का मतलब होता है ऑर्डनरी आँख से देखो आप तो कुछ और नजर आएगा, लेकिन गहराई से देखो तो उसके दूसरे मीनिंग नजर आएंगे। तो हम आपको धीरे धीरे चलते कुछ सिंबॉलिक फिगर भी देखें। तो जैसे आपने गाइड को सुना होगा ये सारे जो मंदिर है वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं 10th से 12th सेंचुरी के बीच में, और यहाँ पे पूजा नहीं होती है। जैसे बोला कि 3 टाइप के मंदिर होते हैं, तो ये तंत्र उसके तंत्र मंत्र और यंत्र, तो ये तंत्र का है। तंत्र एज इन जो योगा पोजीशन है, डे टू डे लाइफ की जो क्रियाएं हैं उसको दर्शाया गया है। और अब मैं आर्किटेक्चर दिखाना चालू करता हूँ, बहुत सुंदर बना हुआ है। और ये यहाँ पे ग्रीनरी और जो मेंटेनेंस है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अभी भी वाटर स्प्रिंकलर्स हैं और काफ़ी हरियाली है इतने धूप के कारण भी, तो वेल मेंटेन्ड है। और मंदिरों के नाम तो मुझे नहीं पता, आई थिंक ये वो मंदिर है जो स्पेशल माना गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आगे वाला जो पोर्शन है वो मस्जिद होगा, बीच वाला जो है वो पगोड़ा या उस टाइप का है, श्राइन टाइप का, और जो लास्ट वाला है वो मंदिर के शेप का है। तो ये यूनिटी, ये इंडिया का मंदिर माना जा सकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हाथी या कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे नाग, और इसमें भी खुद में इतनी सारी कलाकृति की गई है, कार्विंग्स। आई थिंक ये सुअर है, हाँ ये सुअर है, आई एम श्योर दैट दिस इज अ सुअर। तो ये जो है स्ट्रक्चर, इसमें 674 देवी देवताओं का डिपिक्शन है, और ये विष्णु के अवतार, सारे अवतार जितने, तीसरा अवतार है वाइल्ड बोर जो है, और यहाँ पे कई सारे देवी देवताओं का, जैसे यहाँ सरस्वती है, अग्निदेव है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं गणपति बप्पा, और सारे देवी देवताएं हैं और उनका डिपिक्शन है इस छोटे से उसमें। तो चलिए अभी जा रहे हैं हम लक्ष्मणा मंदिर के ओर, तो अंदर जाते हैं बताते हैं। ये सारे ही मंदिर इतने सारे आर्किटेक्चर से भरे पड़े हुए हैं,
अभी जाते हैं और इसका महत्व जो जैसे गाइड बताएंगे वो आपको बताते रहूँगा। तो ये जो है ये कॉपर का बना है और ये है कांच का, तो क्योंकि ये इंटरलॉक है तो अगर डीअसेंबल करना है तो बस इसको हीट दिखानी है और वो जो है जॉइंट खुल जाएगा। और ये वाला कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर डेडिकेटेड टू विष्णु। जी विष्णु भगवान। ओके अच्छा, हूँ शुक्र जी। हाथ में पेन और पेपर लिए हुए जी। चेहरा देखो, आपको ये सोच रही है क्योंकि इसको लेटर लिखना है, जबकि दूसरी अप्सरा देखो आप ऊपर लेटर लिख रही है स्माइलिंग फेस में। स्माइलिंग फेस में कोई भी व्यक्ति ऑफिशियल लेटर या मेनू नहीं लिखा, तो ये कौन सा लेटर लिख रहा है? लव लेटर, मतलब 1000 साल पहले भी रफड़े चलते थे। जैसे बोला जाता है कि खजुराहो जो है इरोटिक स्ट्रक्चर्स के लिए और उसके लिए जाना जाता है, तो हमारे गाइड ने बोला जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो सिर्फ 2-4% है जो कि ये सब डिपिक्ट है और वो भी वे ऑफ लाइफ है, तो इसलिए वो डिपिक्ट किया गया है। और यहाँ पे जो मैं दिखाया ये उस ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे खत लिखना हुआ, बाल बनाना हुआ और नए जैसे मिनी स्कर्ट में साड़ी टाइप का, तो फैशन उस ज़माने में भी जाना जाता था। और कुछ नहीं तो हमारे गाइड ने बोला कि पूरे अगर मंदिर देखा जाए तो 150 हेयर स्टाइल्स आपको देखने में मिल सकती है अलग अलग। और यहाँ पे भी कुछ अलग है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स तो यहाँ पे सूर्य देव का है जो इकलौते भगवान है जो कि चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, और उनकी दोनों वाइफ्स हैं जो कि डिपिक्ट करती है मॉर्निंग और इवनिंग को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हिंदू कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे हमारे गाइड बोल रहे थे कि सिर्फ इरोटिक स्ट्रक्चर के कारण फेमस तो हुआ है लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ देखने लायक और जानने के लायक। ये है मगर तोरण जो कि गंगा का वाहन है तो उसका तोरण है, तो जब भी आप मंदिर एंटर करें तो शुद्धिकरण होते हुए आए। और यहाँ पर है ये पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है, तुम कुछ पढ़ पा रही हो? मुझे ये लोको लोके लोके कुछ करके लिखा है, एग्जैक्टली नहीं अलग। और ये आ गए हम मंदिर के अंदर, ये किस किन का मंदिर है? विष्णु जी का। ये डेडिकेटेड टू विष्णु, ये प्लेटफॉर्म टू पर देवदा सिंह स्पिरिचुअल डांसर डांस करते अच्छा, जिसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैठते थे प्री के यहां पर। लेकिन स्टैचू के ऊपर देखो आप पर्याप्त लाइट, सनराइज टू सनसेट आपको इतनी ही लाइट देखने को मिलेगी, चाहे वो सूरज किसी भी दिशा में, क्योंकि मंदिर के अंदर जो लाइट आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन स्टेच होते हो आप। आप बोलो, एक्सप्लेन करो ना कुछ। तो मुझे पता नहीं। तो बेसिकली जैसे गाइड ने बताया कि ये बना ऐसा है कि जो भी लाइट है कोई भी समय हो, चाहे पूर्णिमा की रात भी क्यों ना हो, ये विष्णु जी का जो मूर्ति है यहाँ पे लाइट हमेशा रहती रहती है और इतनी साफ दिखती है। और जो भी स्ट्रक्चर्स है जो चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए, तो खिड़कियाँ भी ऐसी बनी है कि वो जैसे ये मूर्तियाँ देखें तो खिड़कियों की रोशनी वही मूर्तियों पे हाईलाइट होते हुए दिखाई जा रही है। और ये हाँ बताओ, ये डांस कर रहे हैं और ये तबला बजा रहे हैं और ये हाँ, तो ये जो एरिया है यहाँ पे नृत्य होता था और जो म्यूजिशियंस थे वो दोनों साइड बैठे थे और यहाँ पे पुजारी जी बैठते थे। तो जैसे गाइड भी बोल रहा है कि इरोटिक स्कल्पचर्स के कारण ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया है, लेकिन उसके अलावा जैसे आप ये देख सकते हैं हंटिंग का बो एंड एरो, ये हिरन के आर पार जाता हुआ और यहाँ पे सुअर को लगा हुआ तीर एरो हंटिंग और बाकी सारी चीज़ें जैसे घुड़सवारी और बाकी ये जो ये यात्रा जा रही है और जो भी है गाना बजाते हुए जा रहे हैं, तो ये सारे सब चीज़ की डिपिक्शन है यहाँ पे। सिंगर कौन है? वो सिंगिंग सॉन्ग इन द स्क्रिप्ट।
अच्छा ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है जी। ये हाँ नहीं ये ऊपर से ये राइट वाला आप कह रहे हैं ये ऊपर से राइट वाला ये वाला हाँ ये दोनों सास बहु से आ रहे हैं ना हाँ माँ बेटे सास माँ बेटे जो है बेकूफ है ना वो तो हमेशा वैसे ही होता है ठीक है ना बहुत अच्छा आइए इसको टैबलेट बोलते हैं ना वो देखा जा सकता है स्लेट है हालांकि स्लेट लेकिन उस जमाने गुरु और शिष्य सब साल पहले से शादी का डिपिक्शन प्रीस्ट को मंत्र बोलते हुए सात परिक्रमा वाला सिस्टम आज से 1000 साल पहले भी था। यहाँ से एंट्री जो हम लोग ने की थी ये वाला टेंपल देख लिया। यहाँ पे वॉशरूम है कैंटीन है और ठंडा पानी का मस्त ठंडा पानी अच्छा लेकिन चारों कोने के चार मंदिर टूट चुके ओरिजिनल प्लेटफॉर्म भी ओके क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि इसके नीचे धन मिले हाँ। उस लालच में मंदिर तोड़ेगा। इस मंदिर की कुछ फेमस फिगर है जो अपन बाद में देखेंगे हाँ। पहले अपन चलते हैं 2 मिनट के लिए फोटो पॉइंट देखने। ठीक तो ये है कंदारिया मंदिर जो कि शिव भगवान का मंदिर है। कंद यानी गुफा तो इसकी जो एंट्रेंस है वो गुफा जैसी है और महादेव का है तो इसीलिए कंदारिया महादेव मंदिर। भी काफ़ी अच्छी स्कल्पचर्स किए गए हैं पूरा पूरा। अभी कहीं जा रहे हैं फोटो पॉइंट ये हमारे गाइड इनका डिटेल मैं एंड ऑफ द वीडियो में दे दूंगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मंदिर भी देखो आप चार भागों में डिवाइड है। नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे कोई भी स्टैचू नहीं है धर्म का प्रतीक है। दूसरा वाला हिस्सा जहाँ पर फाइटिंग डांसिंग ड्रिंकिंग दिखाया गया है ये अर्थ का प्रतीक है क्योंकि सब कुछ करते हैं अपन पैसा कमाने के लिए। तीसरा वाला हिस्सा जहाँ पर अप्सराओं को दिखाया गया ये काम का प्रतीक है। और चौथा वाला हिस्सा जहाँ पर कोई भी स्टैचू नहीं है ये मोक्ष का प्रतीक है क्योंकि जब मोक्ष की शुरुआत हो जाती है ना तो शारीरिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है और डिफरेंट टॉप्स मीन्स डिफरेंट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट। यहाँ से देखो आप जैसे गांव के घर में वो आला आला हमारे पिताजी होते हैं डिबरी रखते हैं हां डिबरी बोलते डिबरी किसको बोलते हैं। और ये है कार्तिकेय भगवान उनका वाहन मयूर यानी कि पीकॉक। छोटा लैंप भी बोलते थे लैंटर्न भी बोलते थे हां लैंटर्न तो पता है अभी भी आपको ये सब ऑर्डिनरी है जैसे किस कल्चर है सर। और इधर देखो आप ये ड्रैगन देख रहे हैं ना ड्रैगन के लेफ्ट में देखो एक अप्सरा हाथ के ऊपर तोता बैठा हुआ है उस जमाने की नगर बधु का प्रतीक होता था। और दूसरे हाथ में बंच ऑफ मैंगो इज ए सिंबल ऑफ प्रेगनेंसी क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्वीट एंड सावर खाना पसंद करते हैं ना तो आम उसको उसका हाँ। अब हमने सर आपसे चर्चा की आलिंगन की एक मुद्रा ठीक उसके ऊपर देखो आलिंगन की दूसरी मुद्रा नाक से नाक टच करते हुए दिखाया गया है। फेशियल एक्सप्रेशन देखो बिल्कुल शांत। ये है अग्निदेव इनकी दाढ़ी पे ध्यान दीजिए तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी होती है और अग्निदेव की दाढ़ी होती है तो हमारे गाइड ने वही बताया कि अग्निदेव की दाढ़ी को बांधा रहता है गांठ होती है तो कि अग्नि हमेशा वश में रहनी चाहिए और ब्रह्मांड जो है क्रिएशन विदाउट कंट्रोल इसलिए ब्रह्मा जी की दाढ़ी खुली रहती है और अग्निदेव की आप देख सकते हैं नॉट के साथ रहेगी और मॉडर्न शेव कर लिया। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जगदम्बा माता मंदिर में तो ये जो आप गाइड ने जो बताया वही वाला जो मंदिर है सेम सैंडस्टोन की कार्विंग है ऊपर और अंदर जाते हैं तो जैसे पिछले मंदिर में जो एरिया था वहाँ सिर्फ 4 पिलर्स थे यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 6-8 पिलर्स है चार इस साइड सेम दोनों जगह बैठने की जगह लेकिन यहाँ डांस प्लेटफॉर्म ना हो रहता यहाँ पे डांस की जगह ना हो के हवन कुंड है तो यहाँ पे पूजा होती होगी। और ये जगदम्बा माता का मंदिर है जो कि साल में सिर्फ 2 बार खुलता है नवरात्रि के अवसर पर बाकी टाइम बंद रहता है। ये जगदम्बा माता का मंदिर आप भी दर्शन कर लीजिए
और चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी परिक्रमा का यहाँ पे नहीं है, पीछे वाले मंदिर में था, तो यहीं से हाथ जोड़ के चलते हैं। तो बेसिकली जो पुराना खजुराहो के जो प्राचीन मंदिर है जो कि मोस्टली फेमस है, तो वो दोनों आपको दिखा दिया है। एक था वो वाला, वहाँ कैंटीन है, और ये है माता वाला मंदिर। तीसरा जो मंदिर है वो बेसिकली रेनोवेटेड है, ये सब ओरिजिनल है। इसमें भी थोड़ा बहुत रेनोवेशन है जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला, बट इसमें ओरिजिनल वाला चीज़ें ज़्यादा है। वो मोस्टली रेनोवेटेड, अगर मैं जूम करके दिखा सकूँ, आप देखिए जो टॉप वगैरह है, ये वाली चीज़ें हैं सारी रेनोवेटेड है, तो वहाँ जाने का मतलब है नहीं। चलते हैं, वहाँ पे एक वेल है, और ऐसे छोटे छोटे मंदिर कई सारे हैं, और कई सारे नए मंदिर भी बने हुए हैं। तो नए मंदिर में एक जैन टेम्पल है, आई थिंक वो ईस्टर्न टेम्पल के ग्रुप में है, तो हम लोग वहाँ तो नहीं जा रहे क्योंकि नए मंदिर हैं खजुराहो जो फेमस है, पुराने मंदिर के लिए तो वो सब मैं देख चुका, काफ़ी अच्छा है, जो आर्किटेक्चर है वो सब काफ़ी बढ़िया है। तो ये दो मंदिर अगर जब भी आएंगे, चाहे थोड़े टाइम के लिए आए, तो ये दो मंदिर ज़रूर देखिएगा। फीस भी नॉमिनल है, 35 रुपीज़ पर हेड, तो कुछ नहीं, तो ये दो मंदिर देख सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो बाकी सारे छोटे छोटे मंदिर जो है वो आप घूम के देख सकते हैं। और नेहा वेल के पास आ गई, कुछ बोल रहे, कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया लगा। किसकी बावड़ी है? अग्रसेन की बावली टाइप। अग्रसेन की बावली, तो ये स्टेप वेल है। और यहाँ नीचे अडलज स्टेप वेल से तो छोटा है, बट स्टिल लड़कियाँ यहाँ पे आके वहाँ के सब नहाते हैं। कुमार अग्रवाल जी, नंबर है 9425880975। तो आपने नंबर और नाम देख लिया, इनकी शक्ल भी देखी ली, तो अगर आप आए तो इनसे मिल लीजिएगा, अगर ये आपको अच्छे से दिखा देंगे और जो हिस्ट्री है वो बता देंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पे साफ सफाई काफ़ी सही लगी मुझे खजुराहो में, और यहाँ पे जो वॉशरूम है, ये वॉशरूम है मेल फीमेल, तो वॉशरूम भी काफ़ी साफ सुथरा है। और बेस्ट चीज़ लगी जो पीने का पानी है, RO पानी है, और अपनी अगर आपका बॉटल है तो चिल्ड पानी मिलेगा, तो वहाँ से आप भरिए, मैंने पिया, एकदम साफ सुथरा। और ये कैफ़े है, यहाँ का नींबू सोडा पी रहे हैं अभी हम पेड़ के नीचे बैठ के, तो वर्थ विजिटिंग है। और हमारे जो गाइड थे जिनका डिटेल आप लोग ने जान लिया, तो बता दिया कि हाँ भैया ये मेन मंदिर है, ये सब रिपीटेड है और रिनोवेटेड है, तो थैंक्स टू हिम। और यहाँ पे ओरू भाई साहब अपना आइस का शौक पूरा आनंद लेते हुए ठंडे पानी से मुंह हाथ धो के, बिग आइस। मम्मी पापा ने नींबू सोडा मार लिया यहाँ पे, अब मेरी बारी, मस्त चिल्ड नींबू सोडा। तो जैसे मैंने बोला था कि ये जो मंदिर है वो तीन धर्मों का प्रतीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, तो इसको सेक्युलर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, तो सेक्युलर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये 200 साल पुराना है। तो ये जो कैंपस है उसमें देखा जाए तो सबसे यंग बोला जाए, यंग या सबसे नया बना हुआ मंदिर है। और दूसरा जो ईस्टर्न टेम्पल्स है वहाँ जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी मंदिर है वो जो अखाड़े हैं जैसे जैन अखाड़ा और ये सब, तो वो उन लोगों ने अपने अपने मंदिर बनाए हुए हैं, तो वो सब हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस उतनी नहीं है, तो इसलिए वहाँ जाने का मतलब ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, अगर आपको खजुराहो की बारे में जानना है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये खजुराहो का इन्फॉर्मेशन है हिंदी और इंग्लिश में, अगर चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से भी ले लेता हूँ क्योंकि सन का भी काफ़ी प्रकोप आ रहा है, शाइन आ रहा है, और ये हिंदी में। तो चलिए, हमारा खजुराहो का ट्रिप तो नहीं लेकिन दर्शन जो है एंड होता है या एग्जिट पे सब लोग खड़े हुए, तो चलिए। उल्टा ओरू दिस साइड। तो वेस्टर्न घाट वाला जो डोर है उसके जस्ट सामने एक हैंडलूम की दुकान है,
तो वहाँ पे आए इंडियन हैंडलूम्स, तो यहाँ पे बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें हैं। और अभी ये लोग साड़ी पसंद कर रहे हैं, खर्चा होने वाला है। तो यहाँ से हो गई है शॉपिंग, काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं जो हैंड प्रिंट और हैंडलूम की है, यहाँ से ली रीज़नेबल रेट। मम्मी रीज़नेबल मिला? चलो रीज़नेबल रेट नहीं, अदरवाइज़ हैंडलूम में काफ़ी महंगा महंगा करके बेचते हैं। पापा ने भी एक कुर्ता ले लिया इस टाइप का, खादी टाइप का, और मम्मी ने, नेहा ने अपनी मम्मी के लिए, भाभी ने अपनी दूसरी बहू के लिए, सबके लिए शॉपिंग हो चुकी है। अभी बस मैंने नहीं लिया, बट मेरे पास कुर्ते ऑलरेडी हैं, तो मैं और पापा मिल बांट के पहन लेंगे, क्यों मम्मी? अरे भाई साहब गद्दी गिरा रहा है। तो ये दुकान का नाम भी आपको दिखा देता हूँ, ये वेस्टर्न घाट की एंट्री है और दुकान का नाम किधर गया, ये है बुटीक आनंदालय आनंद एंड अलियान। यहाँ बैग्स वैग्स सब है, सही रेट का मिला पहली बार हैंडीक्राफ्ट, और आएंगे तो इनसे ज़रूर मिल लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। अभी चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पेट पूजा वगैरह करते हैं, तो पास में ही रेस्टोरेंट है तो वहाँ चलते हैं। तो आए हैं हम लोग, हमारे गाइड ने ही सजेस्ट किया था इंडियन खाना खाना है तो बद्री शेठ मारवाड़ी भोज, तो स्वीट शॉप है ऊपर और नीचे है जाके है रेस्टोरेंट। एसी है तो अच्छा है, गर्मी काफ़ी है तो एसी रेस्टोरेंट होना प्रेफरेबल है। लेट्स गो, देखते हैं कैसा खाना होता है। पापा मम्मी ने लास्ट टाइम मारवाड़ी खाना खाया था तो काफ़ी तारीफ की थी, तो इस बार मैं भी एक्सपीरियंस करके आप लोग को रिव्यू शेयर करता हूँ। तो काफ़ी साफ़ सुथरा सा रेस्टोरेंट लग रहा है और खाना भी बाकी के टेबल पे तो अच्छा लग रहा है, और स्पेशली ये अचार, ये जो है ठीक है आम का अचार है लेकिन ये फ्रेशली मेड है तो अभी भी कड़क है, तो इस टाइप का अचार अच्छा लगता है मुझे। तो सबसे पहली आ गई है छाछ, गर्मी के दिन की बेस्ट ड्रिंक। ये आ गई है पापा की सिंपल थाली जिसमें है चपाती, चावल, कड़ी, ठीक है दाल, आलू की सब्जी, गुलाब जामुन और सलाद। और यहाँ पे रजवाड़ी थाली और वो सब भी अवेलेबल है, बट अभी इतनी बुक नहीं है। मैंने वेज बिरयानी और गट्टे की सब्जी मंगाई है मारवाड़ी जो होती है, तो वो टेस्ट करके बताऊँगा। ये साउथ इंडियन खा रही है और मम्मी कढ़ी चावल। ओके मम्मी का कढ़ी चावल आ गया, वहाँ आ गया है कढ़ी चावल मम्मी का, यहाँ आ गई है मेरे गट्टे की सब्जी, दिख तो मस्त रही है, और रोटी, और ये है टमाटर की चटनी और बूंदी रायता, ये है बिरयानी के साथ, और फाइनली मेरी बिरयानी भी आ गई। इट लुक्स गुड, थोड़ा फ्राइड राइस टाइप की है बट देखते हैं खाते। बॉन अपेटिट। तो यहाँ पे लोटस वाले लेक के सामने हम लोग ने खाना भी खाया, खाना काफ़ी अच्छा था, गट्टे की सब्जी और प्योर ऐसा कौन सा बोलते हैं उसको मारवाड़ी खाना, तो काफ़ी अच्छा था। अभी ये गांव का मार्केट लगा हुआ है तो देखते हैं यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं अगर हो सके, अगर कुछ लेने लायक हो तो, क्योंकि गांव का मार्केट में जो चीज़ें मिलती है वो शहर के मार्केटों में नहीं मिलती है, तो थोड़ी कई जगह देख के रुकते हैं। बेसिकली मेरे को और मम्मी को चाहिए था लोहे का चाकू, तो मैं सेफ हूँ तो मुझे तो ऑब्वियसली चाकू पसंद है, और मम्मी को भी ऐसा ट्रेडिशनल चीज़ इकट्ठा करने का शौक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिलता है। तो लोहे की जो दुकानें थी वो तो उठ गई, अभी एक ही एक लास्ट बाकी थी जो देखा तो वहाँ पे तो नहीं मिली, अब देखते हैं शाम में ट्राई करेंगे अगर होगा हमारे नसीब में तो, है ना मम्मी? मिलेगा तो सही है। तो चलिए अभी चलते हैं बागेश्वर धाम की ओर।
तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही रखता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक. कोई भी सुझाव हो कमेंट डाउन बिलो. और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. टिल देन, शेफ राय साइनिंग ऑफ. चीयर्स.